24R न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के चेंजिंग पॉइंट पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब लखनऊ से कानपुर आ रही LC ट्रेन के दो कोच पटरी से उतर गए। इससे लखनऊ और प्रयागराज की ओर से आने वाली ट्रेनें जहां तहां रोक दी गई। रेल दुर्घटना बुधवार सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। इस हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ से आ रही पैसेंजर ट्रेन को प्लेटफार्म नंबर 3 पर सिग्नल दिया गया था। प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 की कैंची के पास प्लेटफार्म नंबर 3 की ओर मुड़ते ही ट्रेन के दो कोच पटरी से उतर गए। तेज आवाज के चलते यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। स्पीड कम होने के नाते कुछ ही दूरी पर गाड़ी रुक गई। ट्रेन के रुकते ही दुर्घटना मान रहे यात्री कूदकर भागने लगे। घटना के बाद प्रयागराज और लखनऊ का ट्रैक फिलहाल बंद कर दिया गया और मुंबई से आ रही पुष्पक एक्सप्रेस कानपुर लखनऊ मेमो, प्रयागराज इंटरसिटी, जबलपुर से आ रही चित्रकूट एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनें रोकी गईं। लखनऊ से कानपुर चलने वाली मेमो है 6401, इसमें 12 कोचेस होंगे। सुबह के करीब 6:50 इसके दो कोचेस देरी हो गए और इसमें किसी यात्री को चोट नहीं आई और उसके फौरन ही बाद करीब 9 बजे जो इलाहाबाद की तरफ जो प्लेन है और नाउ लेने हैं उसको भी प्लेन के थ्रू सिमुलेट करके फिट कर दिया गया। कानपुर की तरफ का जो ट्रैफिक था वो करीब 9:30 बजे चालू हुआ।